आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कानपुर की, जहां आज कोर्ट में पक्ष रखेंगे कैबिनेट मंत्री राकेश सचान। खुद पर जो आरोप लगे हैं उस पर राकेश सचान ने सफाई दी है और कह रहे हैं कि कुछ लोग गलत खबरें फैला रहे हैं मेरे बारे में। शनिवार को मंत्री पर ACMM3 कोर्ट से फरार होने का भी आरोप लगा और 31 साल पुराने मामले में ACMM3 कोर्ट ने यह फैसला सुरक्षित रखा था। और आज का दिन बड़ा है मंत्री के लिए, कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के लिए। हालांकि इन्होंने खुद पर लगे आरोपों पर सफाई दी है, ये कहा है कि कुछ लोग गलत खबरें फैला रहे हैं। अब चलिए इस मामले पर क्या अपडेट आ रही है, किस तरीके की हलचल है, हमारे सहयोगी रतीश से समझने की कोशिश कर रहे हैं। रतीश, सफाई तो दी है कि कुछ लोग गलत खबरें फैला रहे हैं, कौन है वो लोग जो इतना बड़ा षड्यंत्र सत्ता में बैठे मंत्री के ऊपर लगा रहे हैं? देखिए, सियासी लोग हैं और सियासी लोग सियासी लोगों पर ही आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं, ऐसा राकेश सचान का कहना है। राकेश सचान शनिवार को कोर्ट पहुंचे थे, ये उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन उनको कोई उन पर दोष सिद्धि हुई किसी मामले में, इस बात से वो इत्तेफाक रख रहे हैं। लेकिन जो तहरीर दी गई है ACMM3 कोर्ट की पेशकार की तरफ से, उसमें साफ तौर पर लिखा गया है तहरीर पढ़ने पर कि जैसे ही उनको दोष सिद्धि के बारे में पता चला, राकेश सचान जो कैबिनेट मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के MSME मंत्री हैं, वो वहाँ से निकल गए और उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत खराब हो गई। उसके बाद वकील के द्वारा अभद्रता की गई कोर्ट रूम के अंदर और ये सब तहरीर के अंदर मौजूद है। हालांकि FIR नहीं की गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के कद्दावर कैबिनेट मंत्री हैं, इसलिए पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, संभल संभल के बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी जो बातें हैं, जो आरोप लगाए गए हैं, उनको पहले जांचा जाएगा, परखा जाएगा और उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी और दोष सिद्धि होती दिखेगी, आरोप ये पुष्टि होगी, तब FIR की जाएगी। अच्छा रतीश, अगर कोई आम व्यक्ति होता, तहरीर मिलती तो उसके खिलाफ FIR हो चुकी होती। जी, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर कोई आम आदमी होता और उसके खिलाफ इस तरीके की तहरीर दी गई होती और कोर्टरूम के अंदर बवाल करना, कोर्टरूम में पत्रावली लेकर के भाग जाना, अगर इस तरीके के गंभीर आरोप लगे होते तो अब तक तो वो जेल की सलाखों के पीछे चला गया होता। लेकिन राकेश सचान मीडिया में अपनी पुलिस इस पर अपना कंधा ठोक रही होती और लगातार हम कह रहे होते कि देखिए पुलिसिया एक्शन है, कानून को पालन कराने के लिए कितनी डटी हुई है, लेकिन फिलहाल कहां पीछे हटी हुई है ये भी देखना पड़ेगा। इस पूरे मामले पर आप बारीक नजर बना करके रखिएगा। रतीश हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कानपुर से, शुक्रिया रतीश। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।